दक्षिणी तट पर पिघलती है और फिर अंदर के ऊंचे इलाकों में और सुदूर उत्तर में। अलास्का के ज्यादातर हिस्सों में बर्फ पूरी तरह नहीं पिघलती। सतह पर बर्फ भले ही पिघल जाए, लेकिन उससे कुछ सेंटीमीटर नीचे की जमीन हमेशा जमी हुई रहती है। ये परमाफ्रॉस्ट सैकड़ों मीटर गहरा हो सकता है। यहां पेड़ नहीं उग सकते, इसलिए यह पूरा इलाका जंगल की तरह घास, लाइकेंस और कुछ छोटी झाड़ियों से ढका है। इसे कहते हैं टंड्रा। अलास्कन टंड्रा में यह बसंत का मौसम है। एक ग्रिजली बेयर मौसम में पहले अच्छे खाने की तलाश में है। ग्राउंड स्क्विरल बहुत छोटी सी है, लेकिन यहां और कोई शिकार भी नहीं, और ये भी इतनी सतर्क रहती हैं कि इन्हें चुपके से पकड़ना मुश्किल है, इसलिए शायद खदेड़ने से ही इसे कामयाबी मिल जाए। कोई फायदा नहीं, गिलहरी के छिपने के लिए हमेशा कोई ना कोई बिल मौजूद होता है। इसके पास अब एक आखिरी उम्मीद है। इसके मजबूत कंधे खोदने में बहुत मदद करते हैं। लगभग 9 सेंटीमीटर के नाखून परमाफ्रॉस्ट को खोदकर गिलहरी के बिल को उधेड़ने लगे, लेकिन गिलहरी की सुरंगों का जाल बहुत बड़ा है, वो कहीं और निकल भागी। इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं। टंड्रा में वापस आने वालों में सिर्फ भालू ही नहीं है। बसंत के मौसम में विलोज में नाजुक फूल उगने लगते हैं, जिन्हें कैटकिंस कहते हैं। अलास्का के सबसे मशहूर खानाबदोशों को कुछ समय के लिए इनसे पेट भरकर खाने का मौका मिल जाता है। कैरिबू के झुंड खाने और प्रजनन की सुरक्षित जगहों की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये जहां भी जाते हैं इनके पीछे पड़े रहते हैं भेड़िये। भेड़ियों को शिकार करने में सबसे ज्यादा आसानी खुली जगह पर होती है, जहां वो अपने शिकार को देख सकते हैं, और उसे खदेड़ने की जगह भी होती है। ये झुंड में सबसे खतरनाक होते हैं। मिलजुल कर ये अपने से बड़े शिकार को भी मार सकते हैं। लेकिन ये भेड़िया अकेला है। किसी जवान नर के लिए अपनी पैदाइश वाले झुंड से अलग होकर मादा की तलाश करना और खुद अपना झुंड बनाना आम बात है। मिलजुल कर रहने वाले जानवर के लिए ये चुनौती भरा वक्त है। अभी नन्हे कैरिबू का शिकार किया जा सकता है। इसे इनको डराकर खदेड़ना होगा और फिर किसी एक को झुंड से अलग करना होगा। लेकिन कैरिबू एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे। अपने झुंड के बिना भेड़िए के पास ताकत नहीं है। ये बस इन्हें जाते हुए देखता रहा। पूरे अलास्का में जंगली जानवर सक्रिय हो गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर दक्षिण में प्रशांत तट के पास के पहाड़ों पर सर्दियों की लंबी नींद में सोए भालू अब समंदर की ओर जा रहे हैं। पिछले शरद में इन्होंने इसी तट पर सैमन मछलियों का शिकार किया था, लेकिन अब कई महीने तक सैमन नहीं होगी। भालुओं को किसी और चीज की तलाश है। ये खाना हासिल करने के लिए इन्हें सही समय पर आना पड़ता है, उन 4 घंटों के दौरान जब ज्वार काफी कम हो जाता है। पानी से बाहर आई समतल जगह खाली दिखती है, लेकिन भालू यहां अपनी तेज नाक की मदद ले रहे हैं। ये 8 किलोमीटर दूर से भी शिकार का पता लगा लेते हैं, या फिर इस तरह रेत में दबे हुए जीवों का भी। ये भालू का आम शिकार नहीं है, इन्हें क्लैम्प्स की तलाश है। दिक्कत यह है कि क्लैम्प्स सतह से लगभग 30 सेंटीमीटर नीचे दबी रहती हैं। लेकिन ग्रिजलीज की तरह ये भालू भी खोद सकते हैं। क्लैम्प की गंध मिलने पर नर्म रेत से उसे खोद कर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसे एक मिल गया। बड़े बड़े पंजे नजाकत से इसे खोलकर मांस निकाल लेते हैं। इतना ताकतवर होने के बावजूद
भालू हैरत अंगेज ढंग से बारीक काम भी कर सकते हैं। हर क्लैम में लगभग 12 कैलोरीज होती हैं, जो किसी बड़े भालू के लिए हल्के नाश्ते जितना भी नहीं। लेकिन अनुभवी भालू एक बार ज्वार कम होने के दौरान ही लगभग 100 क्लैम्स निकाल लेता है। सिर्फ अलास्का तट के भालुओं ने ही सीखा है कि ये काम कैसे करते हैं। यहां ज्वार का पानी 6 मीटर तक आता है।